नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं सारे विद्यार्थी बढ़िया होंगे आप सभी प्यारे मित्रों का झारखंड अड्डा ट्वेंटी परिवार में मैं दिलावर सिंह परिहार बहुत बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी को पता है कि साथियों आप सभी झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हुए हैं शानदार क्लासेस और वो क्लासेस झारखंड के सारे एग्जाम्स को बेहतरीन तरीके से कवर अप करने वाली है तो साथियों मैं इस कड़ी में आप सभी लोगों को साइंस पढ़ाने वाला हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और उनका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हम यहां पर क्या करेंगे डिस्कशन डिस्कस uh, करेंगे साथ ही साथ उससे रिलेवेंट और भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए लेट स्टार्ट सेशन कैसे हैं आप सभी लोग एक बार मुझे फटाफट क्या कर देंगे कमेंट बॉक्स में बता देंगे भाई और एक शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ क्लास की करते हैं शुरुआत कि हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश है और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश है हमें तलाश है ऐसे फैक्ट्स की ऐसे कंसेप्ट की जो हमारे एग्जाम को क्वालिफाई कराने में हमारी हेल्प करें तो आप सभी के लिए क्लास उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लाई गई है तो चलिए लेट स्टार्ट द सेशन पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने रहा बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा आपका राइट right आंसर तो चलिए जी यहां पर बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट right आंसर कहा गया है पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है हु इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम आपने प्लांट किंगडम की बात की थी साथी अगर हम बात करते हैं पादप जगत की तो यहां पर देखेंगे पादप जगत है ना जिसे कहते हैं प्लांट किंगडम सर ये जो हमारा प्लांट किंगडम है ये बेसिकली कहां से आया है तो ये भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है जगत वर्गीकरण मोनेरा प्रोटेस्टा कवक प्लांट और एनिमल तो प्लांट जो है बेसिकली किंगडम ये फाइव तो सबसे पहले क्या होता है हमारा ब्रायोफाइटा आता है साथ ही यहां पर सॉरी सबसे पहले हमारा थैलोफाइटा यहां पर लिख लीजिए आप सभी लोग हम क्या लिखेंगे यहां पर ब्रायोफाइटा लिख लेंगे भाई ब्रायोफाइटा आ जाएगा एट लास्ट में क्या होगा हमारा एट लास्ट में हमारा ट्रैकियोफाइटा हो जाएगा ट्रैकियोफाइटा के अगेन आपके तीन पार्ट हो जाएंगे टेरिडोफाइटा, फिर हमारा जिम्नोस्पम क्या हो जाएगा आपका जिम्नोस्पम और आपका एनजीओ स्पम एनजीओ स्पम और एनजियोस्पम के आपके अगेन आपके दो पार्ट हो जाएंगे एनजीओ स्पम के आपके अगेन दो पार्ट हो जाएंगे एक बीज पत्री जिसे कहते हैं बेसिकली आपका मोनोकॉट और दूसरा होता है द्वि बीज पत्री जिसे कहते हैं डायकॉट जिसे कहते हैं डायकॉट तो ये हमारा मोनोकॉट हो जाएगा भाई आपका मोनोकॉट और ये हमारा डायकॉट होगा तो इस तरह से हमने यहां पर देखा इस तरह से हमने यहां पर देखा कि ये क्या है आपके पूरा एक तरीके से डिवीजन है किस चीज का आपके प्लांट किंगडम का अब बात करते हैं एम्फीबियंस की तो एम्फीबियन अगर जो टर्म है उभयचर बिल्कुल ठीक है आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा हुआ है कि सर ब्रायोफाइटा लगाइए कई सारे स्टूडेंट ने कहा है ब्रायोफाइटा तो बिल्कुल ठीक है ब्रायोफाइटा विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अच्छा सर आपने ये जो बताया है इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो देखिए जो हमने बताया इससे आपको एक चीज क्लियरिफाई होगी कि ब्रायोफाइटा एटलीस्ट कहां पर है है ना एटलीस्ट आपको ये पूरा एक तरीके से फ्लो चार्ट क्लियर हुआ कि सबसे पहले आपका थेलोफाइटा है देन फिर हमारा क्या हो जाएगा जी आपका ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा के बाद हमारा ट्रैक्योफाइटा ट्रैक्यो के अंदर ही आपका क्या दिख जाएगा जी आपका टेरिडोफाइटा दिख जाएगा जी आपका इसके बाद हमारा यहां पर जिमनुसपम दिखाई दी जाएगा आप लोगों को जिम्नुस के बाद एट लास्ट में क्या हो जाएगा आपका एनजम हो जाएगा इस तरह से पूरा क्या है आपका मैकेनिज्म यहां पर तैयार है और ब्रायोफाइटा जो है वो एम्फीबियन हो जाएगा क्योंकि याद रखना है ये जो पादप होते हैं जल प्लस स्थल दोनों में पाए जाते हैं याद रखिएगा तो इस तरह से आपको समझना है आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शैवाल की बात करते हैं तो शैवाल कहां पर आते हैं भाई आपका ये जो है ना, ये जो है, तो जो जो थैलोफाइटा 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 है 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 ना हमारा तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे आपके शैवाल क्योंकि जो थैलोफाइटा होते हैं उनका शरीर जड़ तना और याद रखिएगा आप सभी लोग पत्ती जड़ तना और पत्ती में याद रखिएगा विभक्त नहीं होता विभक्त याद रखिएगा नहीं होता तो जड़ तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है इट कान डिवाइड इन टू रूट स्टेम एंड आपका लीव्स ये आपको समझना है ठीक है मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ये जो आपका इससे रिलेटेड जो और भी आपके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैं यहां पर करा देता हूं जैसे पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ था वो किसने दिया था आपके आर एच विटेकर ने आर एच याद रखिएगा विटेकर ने दिया हुआ था और आरच विटेकर ने जो आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो बेसिकली इन्होंने ना अपनी तरफ से केवल एक ही चीज को जोड़ा हुआ था को मतलब सर मतलब मैं आपको बता दूं कि चार किंगडम पहले से मौजूद थे कौन कौन से एक तो आपका सबसे पुराना किंगडम है जंतु और पादप का अगर आप कहें तो बेसिकली याद रखिएगा ये क्या है बेसिकली आपका एनिमल है एनिमल और प्लांट ये दोनों सबसे पुराने क्या है बेसिकली आपका किंगडम है इसके बाद क्या होता है साथी आपका इसके बाद क्या आता है जी आपका प्रोटेस्टा आ जाता है भाई आपका प्रोटेस्टा के बाद क्या आ जाता है जी आपका मोनेरा तो ये जो याद रखिएगा आपका प्रोटेस्टा है और मोनेरा है ये प्रोटेस्टा और मोनेरा ये चारों मौजूद थे है ना एनिमल प्लांट प्रोटेस्टा मोनेरा इसमें एच विटेकर ने फंजाई को ऐड किया कवक को ऐड किया फंजाई को फंजाई आर एडेड बाय आर एच विटेकर एंड दे गिव्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया हुआ था मुझे बताना जरा द्विजगत वर्गीकरण टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया हुआ था आप लोग लिखेंगे कैरोलस लीनियस ने दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया हुआ था टू किंगडम क्लासिफिकेशन शुरुआत में उन्होंने कहा था कि एनिमल और प्लांट एनिमल और प्लांट ये दो ही याद रखेगा आपका किंगडम है एनिमल और याद रखेगा प्लांट ये आपके दो ही यहां पर किंगडम है ये किसने दिया था आपके बेसिकली आपके कैरोलस लीनियस ने और द्वि नामकरण पद्धति बाइनरी नेमिंग जो था ये भी दिया था कैरोलस लीनियस ने ये भी कैरोलस लिनियस ने दिया हुआ था और ये दो आपका सर द्विजगत वर्गीकरण द्वि नामकरण पद्धति में क्या डिफरेंसेस हैं तो देखिए कैरोलस लिनियस ने कहा था कि किसी भी जीव का अगर आप नाम वैज्ञानिक नाम अगर देख रहे हैं तो पहला याद रखिएगा शब्द वंश और दूसरा शब्द जो है वो किसका होना चाहिए आपका बेसिकली आपके जाति का होना चाहिए तो कैरलस लीनियस ने क्या कहा भाई साहब आपका इन्होंने आपका जो बाइनरी नेमिंग सिस्टम यहां पर लेकर आया तो जैसे होमो सेपियंस तो होमो हो जाएगा आपका वंश और सेपियंस हो जाएगी आपकी जाति जैसे हमारे ह्यूमंस में जो होमो है वो हमारा क्या है आपका वंश है और सेपियंस जो है वो क्या है हमारी याद रखिएगा आपकी जाती है तो बना होमोसेपियंस तो इस तरह से आपको समझना है अगला सवाल देख लेते हैं कोशिका विज्ञान का पितामा किसे कहा जाता है मुझे बताएंगे हुई कॉल फादर ऑफ साइटोलॉजी आसान सा सवाल है फादर ऑफ साइटोलॉजी सर साइटो मतलब होता है सेल इन लैटिन लैंग्वेज एंड लॉजी मतलब होता है स्टडी लॉजी मतलब हमारा स्टडी होता है तो अगर हम बात करते हैं किस चीज की साइटोलॉजी की तो साइटो मतलब होगा हमारा सेल और लॉजी मतलब होगा हमारा स्टडी तो साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल के बारे में स्टडी करना तो कौन हो जाएंगे जी आपके रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट होक लिविन हॉक या स्लेडन शॉन आंसर करेंगे फटाफट फटाफट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपके लिए ये जो क्लासेस लेकर आए हुए हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से वो आपको झारखंड के सारे एग्जाम्स को क्रैक कराने में बहुत ज्यादा आपका हेल्प करने वाली है तो आप सभी लोग बढ़िया तरीके से एक तरीके से प्रिपरेशन में लग जाइए क्लासेस में लाइव आया लाइव आया करिए जैसे मेरी क्लास रोज शाम को आपका चला करेगी तो आप सभी लोग क्या करें लाइव आए इस टाइम पे और जबरदस्त तरीके से नोट्स बनाए ठीक है ना मैं आपको केवलो केवल केवल और क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेवेंट आपके अलग से कुछ क्वेश्चन और साथ ही साथ आपका एकदम पूरा क्या आपका थ्योरिटिकल मामला भी क्लियर कराऊंगा ताकि केवल केवल हम क्वेश्चन तक ही लिमिटेड ना रह जाए बल्कि हम उसकी थ्योरी को भी समझ पाए तो आप इस बात को समझिए अगर हम बात करें ये कहा जाता है एकदम बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों का बी रॉबर्ट हुक विल बी दी राइट आंसर तो ठीक है जी रॉबर्ट हुक क्योंकि इन्होंने ही 1665 में 1665 में इन्होंने ही क्या किया हुआ था आपका इन्होंने ही कॉर्क के अंदर या जिसे कहते हैं बार्क के अंदर बार्क के अंदर कॉर्क के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ था आपका इन्होंने सेल को देखा था और जब इन्होंने सेल को देखा तो एक्चुअल में जब इन्होंने उस आ, मतलब बार किया कोर किया जिसे कहते हैं पादप की जो छाल है जब उसमें उन्होंने सेल को देखा तो उन्हें कमरे के जैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखे कमरे के जैसे अब ये जो कमरे के जैसे छोटे-छोटे आपके क्या थे स्ट्रक्चर थे तो उन्होंने कहा कि पुराने समय में जैसे कैदियों को रखा जाता था ना छोटी-छोटी सेल्स में आप आज भी अगर थाने वगैरह कभी गए हो तो आपको दिखा होगा कि वो क्या होता है जी आपका सेल होते हैं छोटे छोटे तो वो छोटे छोटे जो आपके जो सेल होते हैं भाई वो बेसिकली याद रखिएगा आपके वो जो सेल होते हैं उससे उन्होंने लगाया कि भाई ये उस वो जो छोटे छोटे सेल होते हैं कैदियों को रखने के लिए सिमिलर वैसे ही आपका स्ट्रक्चर यहां पर पाया जा रहा है ये आपका रॉबर्ट हुक ने बताया तो नाम पड़ा सेल कि आपका कोई भी आपका जीव है वो सेल से मिलकर बना होता है इस बारे में इन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया अपनी किताब याद रखेगा माइक्रो ग्राफिया में बताया किसमें बताया अपनी पुस्तक याद रखिएगा माइक्रोग्राफिया में उन्होंने क्या किया इस बारे में बताया माइक्रोग्राफिया में लिविन हॉक फिर बाद में क्या हुए भाई लिविन हॉक आते हैं 1674 में और अलाइव सेल की डिस्कवरी करते हैं जीवित कोशिका की आपकी खोज करते हैं जीवित कोशिका की ये खोज करते हैं अलाइव सेल की ये डिस्कवरी करते हैं और अलाइव सेल की डिस्कवरी करते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान का पितामा कहा जाता है रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने याद रखिएगा 1831 में आपका 1831 में न्यूक्लियस न्यूक्लियस की क्या की आपकी डिस्कवरी कर दी न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने तो रॉबर्ट ब्राउन ने आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की स्लीडन और श्वान की बात करेंगे तो स्लीडन और श्वान ने आपका सेल प्रिंसिपल इन्होंने सेल प्रिंसिपल दिया कोशिका का क्या दे दिया इन्होंने आपका सिद्धांत दिया कोशिका का क्या दिया इन्होंने आपका सिद्धांत दिया है ना और अगर हम बात करें यहां पर तो ये बॉटनिस्ट थे आपको समझना है ये हमारे बॉटनिस्ट थे आपको समझना है और ये जुलजिस्ट थे ये जुलॉजिस्ट थे मतलब ये आपके बेसिकली पादप जगत विज्ञान के बारे में स्टडी करते थे और श्वान जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके जुलॉजिस्ट थे मतलब आपके आप कह सकते हैं जंतुओं के बारे में आपका स्टडी करते थे सारे के सारे यहां पर हमने फैक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर किए अब यहां पर देखो बात सेल की आई हुई है सबसे बड़े आकार की कोशिका सबसे छोटे आकार की कोशिका और मानव शरीर में उपस्थित बड़े और छोटे आकार की कोशिका तो सबसे बड़े आकार की कोशिका ओवरऑल जो होगी वो क्या होगी जी आपका ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा याद रखिएगा 170 सौ सत्तर गुणित एक एम की होगी ये होगा ऑस्ट्रेचेक शुतुरमुर्ग का अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा होगा आपका ऑस्ट्रेचेक सबसे बड़े आकार की कोशिका ओवरऑल सबसे छोटे आकार की कोशिका तो ओवरऑल सबसे छोटे आकार की कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा ये क्या हो जाएगा जी आपका माइको प्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा माइको प्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होगा सबसे छोटे आकार की इसे ही कहते हैं पीपीएलओ -like organ, -like organ, or micron, इसका क्या होता है यूनिवर्स मतलब, की पीपीएल होगी कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा पे तरस खाने की जरूरत नहीं है इस सबसे छोटू है लेकिन ये भाई साहब बहुत सारे डिजीज क्या करता है एक तरीके से स्प्रेड करता है ह्यूमंस में तो मानवों में बहुत सारे रोगों को फैलाता है तो बहुत ज्यादा इसे देखकर खुश होने की जरूरत नहीं कि कितनी छोटी सी कोशिका है भाई साहब उतने ही बड़े डिजीज ये क्या करती है फैलाती है ना चलिए अगर कोई कह दे हमारे मानव शरीर में उपस्थित याद रखिएगा बड़े और छोटे आकार की तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्योंकि देखो ऑस्ट्रिच का एक तो ह्यूमन बॉडी के अंदर है नहीं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक गैलीसेप्टिक में तो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है नहीं एक सवाल आता है ह्यूमन बॉडी की स्पेसिफिक आपकी बड़ी और छोटी ह्यूमन बॉडी की सबसे जो बड़ी सेल है वो आपकी क्या हो जाएगी ओवम सेल अंडाणु कोशिका बिल्कुल ठीक है और अगर बात कर ले सबसे छोटे आकार की तो स्पम सेल शुक्राणु कोशिका तो ये आपको समझना है ह्यूमन बॉडी की चलिए जी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन आ, उपास्थियों में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए बताइए जी नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेजिस जो हमारे कार्टिलेज होते हैं मतलब कार्टिलेज का मतलब क्या होता है देखो यहां पर लिखा गया उप अस्थि उप प्लस आपका अस्थि कार्टिलेज जिसे कहते हैं उपास्थि मतलब आपने एक चीज देखी होगी जो बेसिकली मुलायम क्या होती है आपकी काफी ज्यादा क्या होती है मुलायम होती है और कहां पाई जाएगी जैसे आपने देखा होगा आपकी नाक में पाई जाएगी आपकी श्वास नली के ऊपर पाई जाएगी श्वास नली के याद रखिएगा आप सभी लोग ऊपर याद रखिएगा एट दी अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया में पाई जाएगी और जो उपास्थि होगा इसमें कॉन्ड्रेंट प्रोटीन मिलेगा कॉन्ड्रेंट प्रोटीन इसलिए मुलायम होगी आपने नाक देखा है ये इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल है कान देखा है आपने फ्लेक्सिबल है ये फ्लेक्सिबल है आपके जो कान ये उपास्थी है इसके अंदर, इसके अंदर अंदर क्या है जी आपका कार्टिलेज है आपने जो आ, फेफड़े वाली जो ट्यूब देखी होगी जिससे हम सांस लेते हैं उसके चारों तरफ एक आपकी लेयर है वो क्या लेयर है भाई आपके उसके चारों तरफ कार्टिलेज की लेयर है उपास्थी की आपकी लेयर है ओसीन बेसिकली आपकी अस्थियों में ये प्रोटीन पाया जाता मेन जो आपकी अस्थियां होती है जो आपकी बोन्स होती है अस्थियों में पाया जाता है आपकी जो बोन्स होती हैं बोन्स में आपका पाया जाता है ये आपका प्रोटीन कौन सा प्रोटीन जी आपका ओसीन प्रोटीन आपका और अस्थियां जो होती हैं वो बनी होती है Ca3PO4 थ्री फोर का होल याद रखेगा ट्वाइस जिसे कहते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट क्या कहते हैं जी हम सभी लोग ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट और मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे और नोट्स बनाते चलें बढ़िया तरीके से ठीक है जी क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो बढ़िया तरीके से मायोसिन प्रोटीन की बात करें तो इसके साथ एक आपका एक्टिन प्रोटीन जोड़ दो एक्टिन प्लस आपका जो मायोसिन है एक्टिन और जो आपका मायोसिन प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहां देखने को मिलेगा मांसपेशियों में मांसपेशियों में देखने को मिल जाएगा आप सभी को यहां पर समझना है मसल्स मसल्स में और ग्लोबिन प्रोटीन बेसिकली याद रखिएगा Hemoglobin में तो हेमोग्लोबिन में बेसिकली आपका ग्लोबिन प्रोटीन देखने को मिल जाएगा हेमोग्लोबिन में ठीक है अब आगे चल लेते हैं भाई आपका मानो की सबसे हड्डी कौन सी है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है तीन सवाल आपके बोन से आगे क्योंकि यहां पर बोन से रिलेटेड कुछ बातें थी तो मैंने सोचा आपको यहां पर छोटी बड़ी और आपकी याद रखेगा पतली हड्डी भी कवर करा दी जाए तो ये चीज जब हम कवर करते हैं ना जैसे देखिए शुरुआत से ही मैंने आपको क्या किया हो जैसे अगर हमारा हम प्लांट किंगडम की जब बात कर रहे थे तो किंगडम जब हमने पढ़ा तो हमने जान लिया किंगडम बेसिकली किंगडम के बारे में और जानकारी हमने पढ़ा सेल के बारे में कि भाई सब आपकी जो सेल होती है फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है कोशिका विज्ञान तो कोशिका से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा बातें जान ली अब हम पढ़ रहे हैं किस चीज के बारे में हड्डियों के बारे में तो हड्डियों से रिलेटेड कुछ अन्य बातें जान लो इससे होगा क्या भाई आपको ना एक बहुत बढ़िया एक डाटा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा और पढ़ने

है ना कहां पाई जाएगी आपकी जांग में सबसे बड़ी एक तरीके से और अगर कहें तो यह सर्वाधिक आरबीसी का उत्पादन करती है मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी करती है क्या करती है जी आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी यही करती है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि तो यह हो जाएगी स्ट्रेपीज और ये कहाँ पाई जाएगी आपके कानों में उपस्थित होगी स्टेपीज और संख्या कितनी होगी साथी इसकी स्टेपीज की संख्या कुल कितनी होगी आपकी दो होगी ठीक है जी संख्या कितनी होगी कुल की आपकी दो हो जाएगी मानव शरीर की सबसे पतली अस्थि जो आपकी बेसिकली थिकेस्ट बोन है आपकी सबसे पतली अस्थि थिकेस्ट बोन है तो थिकेस्ट बोन कौन सी हो जाएगी भाई आपकी सबसे पतली अस्थि कौन सी हो जाएगी आपकी टीविया हो जाएगी टीविया।, टीविया के बारे में कहा जाता है यह सबसे शाइनी बोन भी है भाई ये भाई आपका शाइनी बोन भी है आप सभी को यहां पर समझना है यह चमकीली हड्डी भी है चमकीली याद रखिएगा आपकी हड्डी भी है और एक बारी बढ़िया तरीके से सेशन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार बढ़िया तरीके से आप सभी लोग लाइक कर देंगे जितने नहीं किया हुआ है लाइक करने के साथ साथ आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर भी बताने की कोशिश करिए ना और अपने तमाम साथियों तक थोड़ा सा शेयर कर दीजिए मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ जबरदस्त तरीके से एकदम सारे के सारे जो भी कंसेप्ट आपके बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो अभी हम केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे देन फिर हमारा फिजिक्स भी आ रहा है तो डोंट वरी आप टेंशन ना लें बिल्कुल ना चलिए अगला सवाल डीएनए किसका बहुलक है डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ बताइए आपने सुना होगा कि भाई हमारा क्या होता है भाई डीएनए है ये किसका पॉलीमर है किन चीजों से मिलकर डीएनए बना है डीएनए आपका किसका आपका बहुलक है किसका पॉलीमर है किन चीजों से मिलकर आपका डीएनए जो है वो आपका बनता है न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स अमाइनो एसिड या फॉस्फेट आपका शर्करा या शुगर बताएंगे बताएंगे यहां पर आपका जो डीएनए है वो किससे मिलकर बनेगा जितने भी साथी हैं फटाफट मुझे बताएंगे आपका जो डीएनए है वो किससे मिलकर आपका तैयार किया जाएगा भाई न्यूक्लियोटाइट से या न्यूक्लियोसाइट से बताएंगे न्यूक्लियोटाइट या न्यूक्लियोसाइट्स मुझे बताएंगे देखते हैं भाई क्या आंसर आता है सर न्यूक्लियो टाइट्स ही लगा दीजिए पक्का टाइट्स लगा दे गलत तो नहीं हो जाएगा लगा दे कि ना लगा दे भाई फिफ्टी फिफ्टी चल रहा है क्या डीएनए अच्छा चलो पहले देख लेते हैं डीएनए की खोज किसने की और तुम तुरंत कहोगे बताओ अच्छा डिस्कवरी किसने की जल्दी बताओ डीएनए की डिस्कवरी किसने की मुझे बताओ डीएनए की डिस्कवरी वॉटसन क्रिक ने की मुझे पता था कई विद्यार्थी यही आंसर देंगे वॉटसन क्रिक अगर हम बात करते हैं डीएनए की डिस्कवरी की बात करते हैं तो डीएनए की डिस्कवरी जो की थी आ, वो की थी आपके याद रखिएगा आपके फेडरिक मिशर ने फेडरिक मिशर ने की थी और कब की थी 1869 सर हमने तो वॉटसन क्रिक सुना था अरे भाई साहब मैं बात कर रहा हूं खोज की हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी की तो डिस्कवरी की थी फेडरिक मिशर ने मॉडल की बात आ जाए है ना डीएनए की अगर हम बात करें मॉडल की बात आ जाए वो भी कैसा मॉडल आपका डबल हेलिक्स डबल हेलिक्स द्विकुंडलित मॉडल की बात आ जाए तो ये जो मॉडल था आपका द्विकुंडलित मॉडल था ये दिया था आपके वॉटसन और याद रखिएगा आप सभी लोग क्रिक ने और कब दिया था भाई आपका वॉटसन और क्रिक ने मॉडल आपका वॉटसन क्रिक ने मॉडल 1953 में दिया था तो किसने दिया था आपका वॉटसन प्लस याद रखेगा आप सभी लोग क्रिक ने दिया था और वॉटसन क्रिक ने मॉडल दिया था तो उन्होंने बताया था कि ये क्या है इस तरीके से एक ये क्या है आपका ये तरीके से क्या है भाई आपका हेलिक्स है और ये हेलिक्स किसका है बेसिकली आपका फॉस्फेट और शुगर का है फॉस्फेट और आपके शुगर से मिलकर बना होता है ये आपका हेलिक्स और इसके बीच बीच में क्या मिलते हैं आपके एडेनिन से याद रखिएगा आपका थायमिन और गुआनिन से आपका साइटोसिन तो आपका याद रखिएगा बेसिकली डबल बॉन्ड क्या होता है एडेनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है गुआनिन ये क्या है आपका नाइट्रोजिनस बेसिस है जिसे कहते हैं नाइट्रोजनी छार नाइट्रोजनी क्षारक कहते हैं अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में हमने देख लिया क्यों क्या और कैसे अब जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियो का बहुलक होते हैं ठीक है सर क्यों न्यूक्लियो साइट क्यों नहीं होगा क्योंकि देखो डीएनए क्या है एक न्यूक्लिक एसिड है डीएनए एक न्यूक्लिक क्या है आपका एसिड है एक नाभिकीय आपका अम्ल है न्यूक्लिक एसिड है. है आपका और न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले क्या होता है आपका न्यूक्लियो न्यूक्लियो याद रखिएगा टाइट्स होता है और न्यूक्लियोटाइड्स में दो चीजें पाई जाती हैं एक होता है आपका न्यूक्लियो साइट्स और दूसरा क्या होता है जी आपका दूसरा क्या होता है जी आपका न्यूक्लियो ओहो न्यूक्लियोसाइट्स और क्या होता है भाई आपके न्यूक्लियोसाइट्स के अलावा न्यूक्लियोसाइट्स के अलावा आपका फॉस्फेट क्या होता है आपका

ग्रुप हो जाएगा ये फॉस्फेट ग्रुप कर दीजिए इसे इस तरह से तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा आगे देख लेते हैं देखिए डीएनए की खोज किसने की थी मैंने आपको बता दिया हुआ है डीएनए डीएनए का मॉडल किसने दिया दिया था बता बता हुआ है से आरएनए बनना ये मैं अभी आपको बता देता हूं खोज किसने की थी डिस्कवरी फैट्रिक मिशन ने 1869 में मॉडल किसने दिया था वॉटसन क्रिक ने 1953 में इसके लिए वॉटसन क्रिक को 1962 में आपके नोबेल प्राइज से भी एक तरीके से नवाजा गया नोबल पुरस्कार भी इसे मिला 1962 में इस काम को करने के लिए एक लेडी भी थी जिसने काफी ज्यादा एक तरीके से अहम भूमिका निभाई थी बट वो एक्सपायर हो गई थी तो आपका जो नोबेल प्राइज है वो इन दोनों व्यक्तियों को ही मिल पाया जिनमें वॉटसन और क्रिक आपके शामिल थे अब बात करते हैं डीएनए की खोज मॉडल आपका क्लियर है डीएनए से आर का बनना तो देखो भाई साहब ये रहा तुम्हारा डीएनए आप सभी को पता है और ये क्या रहा जी हमारा आर आप सभी को एक चीज पता है कि भाई डीएनए से ही क्या बनता है आरएनए बनता है और कई की बार आरएनए भी डीएनए बनाता है बट हमारे बॉडी में आरएनए डीएनए नहीं बनाता है हमारे शरीर में डीएनए आरएनए आपका बनाता है लेकिन कुछ विशेष वायरस होते हैं जो अपने शरीर के अंदर आर लेकर आते हैं और उस आर को डीएनए में तब्दील करते हैं जब किसी ह्यूमन बींग को ह्यूमन बींग के शरीर में वो आते हैं तो हमारे शरीर में जो प्रोसेस चल रही है तो डीएनए से आरएनए बन रहा है प्रोसेस कौन सी है भाई अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इसे कहते हैं उल्टा अनुलेखन रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उल्टा अनुलेखन तो इस तरह से आपको यहां पर समझना है कि ये क्या हो रहा है भाई आपका डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से आपका डीएनए बन रहा है तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए तो डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन या आपका अनुलेखन और आरएनए से डीएनए में उल्टा अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ना ये आपको बहुत अच्छे से समझना है अच्छा एक चीज और है अगर कोई कहे कि भैया जो हमारा अमाइनो एसिड है अमाइनो एसिड है इससे प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है अमाइनो एसिड से जब हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है तो कहलाता है आपका अनुलेखन ट्रांसलेशन अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है तो आपका अनुलेखन होता है आपको समझना है अनुलेखन करता कौन है आरएनए ही करता है आरएनए के द्वारा होता है तो ये देखिए आप देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं आप मेरी क्लास में आ रहे हैं पढ़ रहे हैं लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं तो ये आप भूल जाइए कि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी क्योंकि देखिए मैं आपको लिखाने का थोड़ा सा ज्यादा काम करता हूं तो अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे क्योंकि देखिए अभी आप सवालों की संख्या पे मत जाइए आप देखिए हमने बोर्ड बोर्डवर्क कितना कर लिया हुआ है और ये वही सारे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं ठीक है और इसे ही पढ़ाना कहते हैं खाली आपका सवाल पढ़ के ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना तो ये तो मतलब कुछ ही नहीं है ना तो मैं ऐसी स्टडी को नहीं मानता कि केवल और केवल टिक लगा के ही हम आगे बढ़ जाए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जब तक ना हो तब तक चीजें ना तो एक तरीके से बेहतर तरीके से समझाई जा सकती है और ना ही समझानी चाहिए तो मैं यही आपको बार बार कह रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर बढ़िया तरीके से मिलेगा और दूसरी चीज जब एक्सप्लेनेशन मिल रहा होता है तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसे लिखें क्योंकि बिना नोट डाउन करें बिना आप उसे लिखे आप बेहतर तरीके से आप लंबे समय तक चीजों को याद नहीं रख सकते हैं तो आज डे वन है डे वन से ही बढ़िया तरीके से एक नोट्स बनाइए कॉपी बनाइए और उस बेसिकली नोट्स में अपनी सारी चीजें क्या करते रहिए आप लोग लिखते जाइए एकदम बढ़िया तरीके से ठीक है आपने जितनी भी चीजें यहां पर पढ़ी हुई हैं फटाफट क्लास के साथ साथ आप लोग इसे लिखते जाइए जब आप लिखते जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी हाँ एक्लिप्टा एल्वा नामक पादप से प्राप्त औषधि का उपयोग किस बीमारी के निदान में किया जाता है एक आपका पादप है एक्लिप्टा एल्वा इससे नामक पादप से प्राप्त औषधि का एक तरीके से उपयोग किस बीमारी के निदान में आपका किया जाता है एक्लिप्टा एल्वा हेपेटाइटिस खसरा मलेरिया या आपका गलसुआ बताइए एक्लिप्टा एल्वा एक बेसिकली पादप है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बेसिकली हेपेटाइटिस के आपके निदान में इसका इस्तेमाल किया जाएगा हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस जो बेसिकली मेनली प्रभावित करता है हमारी हेपेटिक सेल्स को टिक याद रखिएगा सेल्स को सर ये हिपैटिक सेल्स कहा पाई बेसिकली आपके लिवर में पाई में पाई जाएंगी मतलब हेपेटाइटिस सर लिवर को प्रभावित करेगा जी हाँ क्योंकि हेपेटाइटिस जो टर्म है वो ही हिपैटिक सेल्स से मिला हिपैटाइटिस हिपैटिक सेल को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली डिजीज और लिवर की याद रखिएगा कार्यात्मक इकाई है अगर हम बात करें हिपैटिक सेल्स की बात करें तो यकृत की कार्यात्मक इकाई लिख लीजिए यकृत की कार्यात्मक क्या होता है बेसिकली आपका इकाई होता है जिसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कहते हैं हेपेटाइटिस सेल्स को तो ये आपको यहाँ पर समझना है मलेरिया uh, की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे मित्र तो मलेरिया बेसिकली मलेरिया के लिए जो दवा होती है वो क्या होती है आपका uh, कहां से प्राप्त की जाती है भाई मलेरिया की आपकी जो दवा होती है ये प्राप्त की जाती है आपके सिंकोना पादप सिंकोना पादप के अंदर पाया जाता है आपका कुनैन है और सिल्कोना पादप की कहां पर आपकी छाल में सिल्कोना पादप की आपकी बार्क में आपका क्या पाया जाएगा कुनैन और उससे तैयार किया जाएगा अल्फा क्लोरोक्विनोन अल्फा क्लोरोक्विनोन और ये जो आपका क्लोरोक्विनोन है अल्फा क्लोरोक्विनोन है ये बेसिकली याद रखिएगा दवा होती है आपकी किस चीज की मलेरिया की ठीक है मलेरिया की और मलेरिया जो फैल, फैलाता है वो कौन फैलाता है मादा एनाफिलीज मादा एनाफ्लीज आपका जो मच्छर होता है वो आपका फैलाता है और क्या लेकर आता है हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम याद रखिएगा वाइवेक्स और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है ये क्या होता है एक प्रकार का परजीवी होता है यह हमारा पैरासाइट है तो आप सभी को यहां पर समझना है कि जो पैरासाइट है जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वो मादा एनोफ्लीस देखो मलेरिया कैसे होगा ना फ्लीज आ रही है उड़ के आ रही है आ रही आ रही है और हमें हमारे बेसिकली याद रखिएगा शरीर पे बैठी उसने अपना स्टिंग हमको मारा और अपनी बेसिकली लार के माध्यम से किसको इंजेक्ट कर दिया हमारे ब्लड में आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को जो एक पैरासाइट है और ये पैरासाइट बेसिकली हमारे ब्लड में एक तरीके से सर्कुलेट हो, सर्कुलेट हो रहा है सर्कुलेट हो रहा है सर्कुलेट हो रहा है और क्या कर रहा है जी हमें डिजीज आपका फैला रहा है जिससे मलेरिया हो जाएगा अल्फा दवा से इसे हम क्या कर सकते कर सकते सकते हैं हैं ठीक स्प्लीन और प्लीहा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मलेरिया आपके डिजीज में खसरा की बात करेंगे तो ये वायरस से हो जाएगा भाई मोरविली याद रखिएगा वायरस मोरविली वायरस से होगा वायरस से गलसुआ बात करेंगे मम्स वायरस से होगा मम्स वायरस से होगा आप सभी को यहां पर समझना है तो इस तरह से आपको सारी की सारी चीजें समझना है

जितने भी साथी हैं फटाफट फड़ बताओ भाई छह प्रकार कौन कौन से है? तो हेपेटाइटिस का जो वायरस है ए से स्टार्ट होता है आपका आ, हेपेटाइटिस का वायरस ए बी सी डी ई एफ छोड़ के जी ए बी सी डी एफ छोड़ के आपका जी ये आपके क्या है वायरसेस हैं आपके हेपेटाइटिस के ठीक है जी कहा गया है हेपेटाइटिस विषाणु जो जल में उत्पन्न होते हैं हेपेटाइटिस है विषाणु जो आपके जल में वॉटर बॉर्न होते हैं जो आपके ए और ई e. तो ए और ई e जो होंगे वो कहा होंगे वॉटर में आपके क्या होंगे एक तरीके से आपके पन पर आपके पनपेंगे पनपेंगे कहां पर जल में आपका और हेपेटाइटिस विषाणु द्वारा प्रभावित अंग तथा सबसे खतरनाक प्रकार तो प्रभावित अंग हो जाएगा हमारा लिवर और सबसे खतरनाक प्रकार हो जाएगा बी और सी तो बी और सी सबसे खतरनाक प्रकार हो जाएगा ए और डी आपके पानी में उत्पन्न होंगे इस तरह से आपको समझना है तो ये सारी की सारी बातें आई होप आपको यहां तक समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से शानदार जानदार तरीके से अगर आ गई है तो आप सभी लोग मुझे बता दें कि हाँ एक बढ़िया तरीके से हमने चीजों को यहां पर समझ लिया है चलिए क्लियर है कोई दिक्कत नहीं ना सब कुछ क्लियर है एकदम है ना चलो आगे चल लेते हैं भाई आगे चलते हैं मच्छर की लार के साथ सियाकार स्पोरोजोइड के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है यह किस बीमारी से आपका संबंधित है यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मच्छर होता है मच्छर की जो लार होती है उसके साथ सियाकार स्पोरोजोइड के रूप में प्लाज्मोडियम याद रखिएगा कौन प्रवेश करता है शरीर में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है यह किस बीमारी से संबंधित है बताएंगे जी मच्छर की लार के साथ यहां पर हमने क्या डिस्कस किया हुआ था जी जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि भैया मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक पैरासाइट को बॉडी में इंजेक्ट करा देती है तो मलेरिया डिजीज हो रही थी तो वही पूछा गया है कि मच्छर की लार के साथ बेसिकली प्लाज्मोडियम किस रूप में बॉडी में आता है स्पोरोसाइट के रूप में आता है और कौन सी डिजीज हमारा मलेरिया मलेरिया डिजीज को वो आपका स्प्रेड करता है तो बेसिकली कौन सी डिजीज मलेरिया डिजीज को क्लियर है जी क्लियर है आ, किस डिजीज को स्प्रेड करेगा जी वो आपके मलेरिया डिजीज को मलेरिया जो वर्ड है बेसिकली याद रखिएगा ये जो वर्ड है ये नाइनटीन सॉरी एटीन ट्वेंटी सेवन में अठारह सो में ये शब्द जो दिया था ये दिया था मैक्यूलॉस ने जो कि एक अंग्रेज था मैक्यूलॉस ने आपका वर्ड दिया था और उस समय जो मलेरिया मलेरिया कैसे आया मलेरिया तो मलेरिया आया है मैल प्लस एयर से मैल प्लस एयर ये दोनों शब्द जुड़े हैं मैल मतलब हमारा क्या हो जाएगा बुरी एयर मतलब आपकी हवा तो ये मिलकर क्या बनता है आपका मलेरिया क्या बनता है जी आपका मलेरिया मलेरिया तो ये बेसिकली मैल एयर मतलब बुरी हवा सर बुरी हवा मतलब आपको पता है कि जो मच्छर है उसके काटने से मलेरिया होता है लेकिन जब शुरुआती दिनों में जब मलेरिया की खोज नहीं हुई थी तो बेसिकली क्या था उस समय जो अंग्रेज थे वो ये मानते थे कि यार ये इंडिया के अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसी हवा चल रही है जिसके कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है मलेरिया हो जाता है तो बेसिकली ये आपका टर्म जो था ये क्या हुआ आपका मलेरिया हो गया मैलेयर से मतलब बुरी हवा मतलब यहां पर भारत में मच्छर थे इंग्लैंड से जब कोई आता था भारत अंग्रेज तो इंग्लैंड में तो मलेरिया होता नहीं था क्योंकि मच्छर उतने थे नहीं भारत में मच्छर थे उन्हें काटता था मलेरिया हो जाता था तो वो ऐसा सोचते थे कि जैसे ही वो इंडिया आए मच्छर काटे एक दो दिन में मलेरिया हो जाए उन वो ऐसे सोचते थे कि जैसे इंडिया की एयर से कोई कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो क्या हो रहा है मलेरिया हो जा रहा है तो उन्होंने बोल दिया मैलेयर यहां एक बुरी हवा चलती है क्योंकि लू वगैरह भी एक तरीके से चलती है तो बुखार चढ़ जाता है उन्होंने कहा इसकी यहां की हवा में में कुछ ऐसा है फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए आपको पता होना चाहिए एक साइंटिस्ट आते हैं में आपके लेबरल लैबरल तो लैबरल ने बताया आपके इन्होंने मलेरिया के परजीवी को देख लिया इन्होंने मलेरिया परजीवी को देखा इन्होंने मलेरिया परजीवी को क्या किया आपका देखा किसने देखा लेबरल ने साथ ही साथ इसके बाद एक साइंटिस्ट आए रोनाल्ड रॉस तो रोनाल्ड रॉस ने क्या किया भैया आपका रोनाल्ड रॉस ने क्या किया इन्होंने पूरा मामला बताया कि जो मलेरिया है वो कैसे होता है तो मलेरिया में मादा एनाफिलीज मच्छर आती है मादा एनाफिलीज याद रखिएगा आप सभी लोग मच्छर आती है वो हमें काटती है और काटने के बाद वो लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम याद रखिएगा वाइवेक्स को क्या करती है हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती है और कहीं ना कहीं कौन सी डिजीज हो जाती है मलेरिया हो जाती है ये आपको यहां पर समझना है ठीक है डेंगू की बात करेंगे तो यहां पर याद रखिएगा अरबो वायरस अरबो वायरस अरबो वायरस ये क्या हो जाएगा जी हमारा अरबो वायरस तो बेसिकली अरुबो वायरस से क्या हो जाएगा डेंगू हो जाएगा और प्लेटलेट्स की जो संख्या है प्लेटलेट्स बिम्बाड़ु जो है बेसिकली याद रखिएगा बिम्बाड़ुओं की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी आपकी एक तरीके से कम हो जाएगी जापानी इंसेफ्लाइटिस बेसिकली यूपी के गोरखपुर से भारत में फैला यूपी के गोरखपुर से ये भारत में आपका क्या हुआ है साथ ही आपका फैला हुआ है और साथ ही साथ ये होता किससे है यह होता है आपके क्यूलेक्स मच्छर क्यूलेक्स मॉस्किटो क्यूलेक्स याद रखिएगा आप सभी लोग मच्छर से ये बीमारी आपकी फैलती है और क्यूलेक्स मच्छर में भी पाया जाता है जो आपका अरबो वायरस उससे ये डिजीज आपकी फैलती है क्यूलेक्स मच्छर में भी अरबो वायरस आपका पाया जाता है उससे डिजीज आपकी फैलती है आप सभी को यहां पर समझना है ठीक है जी इस तरह से हमने यहां पर देखा सारी की सारी यहां पर चीजों को ठीक है जी तो चलिए भाई तो इस तरह से हमने चीजों को यहां पर क्या कर लिया कवर अप कर लिया अब यहां पर देख लो शरीर में प्रवेश करने के बाद स्पोरोजाइट जो होता है मच्छर का वो किस में बदल जाता है वो मीरोजाइट में बदल जाता है बिल्कुल ठीक है मलेरिया शब्द किसने दिया था मैंने आपको बता दिया मलेरिया उपचार के लिए दवा कौन सी है तो दवा कौन सी है भाई सब अल्फा क्लोरोक्विनोन अल्फा क्लोरोक्विनोन जो बेसिकली याद रखेगा सिन्कोना, सिन्कोना याद रखिएगा पादप की छाल से मिलती है सिंकोना पादप की आपकी छाल से मिलती है आप सभी को यहां पर समझना है सिंकोना पादप की छाल से आपको देखने को मिलती है इस तरह से आपको समझना है बहुत अच्छे से तो क्लियर है यहां तक सारी की सारी चीजें सारी की सारी बातें आपको क्लियर है यहां तक तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रही होंगी सारी की सारी बातें ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया वर्ड मैंने आपको बता दिया है और मच्छर जब हमें काटता है तो प्लाज्मोडियम होता है स्पोरोफॉइड में स्पोरोजॉइट के रूप में और ये स्पोरोजॉइट याद रखिएगा कई सारे म्यूरोजॉइट लगभग दस हजार म्यूरोजॉइट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो मच्छर के काटने पर प्लाज्मोडियम किस फॉर्म पे होता है स्पोरोजॉइट और स्पोरोजॉइट बदल जाता है शरीर में आने के बाद आपके म्यूरोजॉइट में तो ये आपको समझना है मलेरिया के बारे में ठीक है जी ठंड के साथ बुखार आना मलेरिया का एक प्रमुख लक्षण है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना क्या कहलाता है आपने देखा होगा कि विटामिन के जो होता है विटामिन के की कमी से कई बार क्या होता है आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के को क्या कहते हैं इसे कहते हैं फैलो फीलोक्विन फिलोक्विनोन कहते हैं क्या कहते हैं जी आपका फिलोक्विन विटामिन के को कहते हैं और विटामिन के जो होता है इसका जो सेंथिसिस होता है जो संश्लेषण होता है जो आपका क्या होता है जी आपका िस होगा आपका विटामिन के का वो कहां होगा आपके वो क्या होगा आपका बेसिकली कॉलिन में कहा होगा जी आपका कॉलिन में होगा कॉलिन कहां पाया जाता है बड़ी आंत का एक भाग है बड़ी आंत का क्या है एक आपका भाग है जिसे कहते हैं आपका कॉलिन वहां पर होता है और कौन करता है आपका ईकोलाय e ई e. कोला जिसे कहते हैं एश्रिकिया कोली ये करता है भाई तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना ये क्या कहलाता है भाई आपका क्या कहलाता है जी ये हमारा हेमोरेज कहलाता है जिसे कहते हैं जैसे ब्रेन हेमोरेज हो जाता है ना आपका ब्रेन हेमोरेज तो ब्रेन हेमोरेज में क्या होता है बेसिकली ब्रेन के अंदर नस फट जाती है और रक्त बहते रहता है तो जब भी रक्त के बहने की बात आती है है ना खून बह रहा है वो होता है हेमोरेज है तो वैसे ही जैसे बोला ब्रेन हैमोरेज तो ब्रेन हम कहते है हैं हैमरेज 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 नहीं होता ब्रेन हैमोरेज, ब्रेन हैमोरेज ब्रेन मतलब के अंदर ब्लड का नस फटने के कारण बाहर बहने लगना या ब्लड की लीकेज है ना वेन और आर्टरीज में आपका ब्लड होना चाहिए तो उनसे बाहर आके वो नसें फट जाए और ब्लड बाहर बहने लगे शरीर के तो वो होता है हेमोरेज है 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 तो हैमोरेज डिजीज हो जाएगा यहां पर ठीक है हीमोफीलिया की बात करेंगे तो ये आपकी रॉयल डिजीज है ये आपकी क्या है बेसिकली आपका रॉयल डिजीज है रॉयल क्या है आपका डिसीज है साथ ही आपका ये हमारा शाही रोग है जो बेसिकली सबसे पहले किसे हुआ था आपका ब्रिटेन की महारानी को ये ब्रिटेन की महारानी में देखने को मिल गया था आपका कौन सा आपका हीमोफीलिया आपका डिजीज ब्रिटेन की महारानी में और इसमें भी क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो यहां पर आपकी नहीं होती है है ना और ये जेनेटिक डिजीज होता है ये कैसा होता है जी आपका रॉयल डिजीज है और ये क्या है आपका जेनेटिक डिजीज है ये आपका जेनेटिक है आनुवांशिक ये आपका आनुवांशिक है आपका जेनेटिक है एनीमिया बेसिकली तीन चीजों की वजह से होता है विटामिन बी सिक्स विटामिन याद रखिएगा बी नाइन और विटामिन बी ट्वेल्व ये क्या होता है बेसिकली आपके तीन कारण होते हैं किस चीज के एनीमिया के आपके ब्लड uh, डिसऑर्डर से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं सोडियम ट्वेंटी फोर सोडियम के एक आपका समस्थानिक होता है सोडियम ट्वेंटी फोर ये ब्लड डिसऑर्डर से क्या करता है बेसिकली आपका बचाकर आपका रखता है तो चलिए साथियों आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रॉपर तरीके से जो आपने क्लास ली है तो जबरदस्त तरीके से आप खुश हैं इससे या नहीं है चीजें समझ में आ रही है कि नहीं नोट्स आपने बनाए बनाया नहीं बनाए तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताने ये सारी की सारी बातें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस पीडीएफ के लिए आप सभी लोग हमारे बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का जो एक तरीके से कम्युनिटी है हालांकि कम्युनिटी में अभी मेरी पोस्ट आपको वहां पर दिखेगी नहीं तो आप लोग अगर टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी लोग दिलावर सर साइंस क्लब टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनके भी ये पीडीएफ ले सकते हैं क्योंकि अभी हमारा जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन के अंदर आपको ये पीडीएफ शायद ना मिल पाए तो इस तरह से जब आप क्या करेंगे साथी इन सारे नोट्स को तैयार करेंगे तो आप पाएंगे एक हफ्ते बस आप नोट्स तैयार करके देख लीजिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाई आप खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पाएंगे कि यार मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ ली मैंने ये सारी चीजें लिख ली तो ये सारी की सारी बातें इसीलिए मैंने आपको यहां पर बताई हुई हैं तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही मिलता है नेक्स्ट सेशन में जय हिंद जय भारत अपना ख्याल रखिए जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे मित्रों और डेली हमारी मुलाकात होती